हेलो एवरीबॉडी, अंतालिया में एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसको मैंने तलाश किया वहाँ पर मैं आया हूँ और इसका नाम है हेड्रियंस गेट। ये रोमन एरा का बना हुआ गेट है, रोमन्स का बनाया हुआ। और अगर मैं कैमरे को उस तरफ करूँ तो फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये आई थिंक ये ट्रैफिक का बड़ा मसला है। इसका सन तामीर जो है वो गालिबन, जो मैंने गूगल पे सर्च किया था, वो 130 AD है, सन 130 ईस्वी, यानी कि इट्स 1900 साल, 1900 years पहले का ये बना हुआ है। और इसके ये पत्थर और ये सब रोमन्स के उस अजीम दौर की याद कराते हैं, द ग्रेट रोमन एम्पायर। 1900 साल गुजरने के बावजूद भी इसकी तामीर अपनी जगह से हिली नहीं। नज़दीक जाकर देखते, लेट्स गो क्लोज टू इट। वाह, टूरिस्ट का काफी रश है इस वक्त। ओके, ये अब इसकी सीढ़ियाँ उतर के, ये कोई बहुत ह्यूज यानी जगह जो है वो है तो काफ़ी बड़ी। लेकिन ये कोई मतलब किला, फोर्ट्रेस या पैलेस नहीं है, ये एक गेट है। चूँकि इसको बहुत ज़माना गुजर चुका है, 1900 साल, तो बेसिकली ये रोमन एम्परर उसकी आमद पे उन्होंने बनवाया था, उसके आमद के जश्न में एक ख़ास गेट ताकि वो इसमें से गुज़र सके। उस ज़माने में अनातोलिया जो है, जो टर्की का एंशंट नाम है, इस पे रोमन्स का, बाइजेंटीन्स का, ये बाइजेंटीन्स की एम्पायर थी यहाँ पे, जिसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता था। और इसलिए उनको रोमन्स भी कहा जाता है कि ईस्टर्न रोमन्स, वैसे उनको बाइजेंटीन्स कहते हैं, ईस्टर्न रोमन भी कहना या रोमन्स भी कहना गलत नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर है बिल्कुल रोमन स्टाइल का है। बाय वेस्टर्न रोमन से मुराद है कि जो आपको इटली में आर्किटेक्चर नज़र आता है वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी, लेकिन वही चीज़, वही लोग फिर उन्होंने फॉर्म किया ईस्टर्न रोमन एम्पायर को, जिसको कि बाइजेंटीनी एम्पायर भी कहा जाता है। ये पत्थरों की चौड़ाई और पत्थरों की मजबूती, ओह, ये उस ज़माने की अब ये कहने को तो गेट है, लेकिन इसकी जो एक हैबत है वो आप जब पास आते हैं तो फिर समझ में आती है कि क्या है। इट्स अ कोलोसल थिंग, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये कोई किला नहीं है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जो उसकी गुजरगाह के तौर पे बनाया गया था रोमन एम्परर के गुज़रने के लिए। अब हिस्ट्री और आर्किटेक्चर चूँकि एक मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी है, तो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट वॉचिंग द आर्किटेक्चर। स्प्लेंडिड।